प्रभुपाद जी जैसा व्यक्ति जो है आपको करोड़ों जन्मों में नहीं मिलेगा। सच बोलने से कभी नहीं घबराया श्री प्रभुपाद जी ने। मिश्रा जी ने कहा अमरीका में प्रभुपाद को कि स्वामी जी ये अमरीका है, यहाँ पे आप कांटा छुरी अपना लो, यहाँ पे कोई सुनेगा नहीं आपको, आप जो बता रहे हो नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संबंध नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, ये अमेरिका में चलेगा नहीं, लोग सोचेंगे ये क्या है, उनके लिए सामान्य बात है ये, आप ये सब बता रहे हो। प्रभुपाल ने कहा मैं भारत वापस चला जाऊंगा लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगा, भले मैं एक शिष्य भी ना बनाऊं, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द प्रिंसिपल्स। ये है प्रभुपाल जी प्योरिटी। और आज देखो पूरी दुनिया लोछावर प्रभुपाल जी। तो हमें प्रचार करना शुद्धता पवित्रता के आधार पर, चुकनी चुपड़ी बातें करके नहीं, लोगों को आकर्षित करने के लिए, जो सच है वो बोल रहे हैं हमें, दैट्स द पॉइंट। तो स्वार्थ जब छुपा होता है, धन की आशा कर रहे हैं, अनुयायियों की आशा कर रहे हैं, कोई हिडन एजेंडा है, कोई बुरा नाम मान जाए, तो आप सच कैसे बोलोगे, आप बोल नहीं पाओगे सच पवित्रता के आधार पर। इसलिए प्रभुपाद ने कहा प्योरिटी इज द फोर्स। प्रभुपाद जी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, प्रभुपाद जी कभी समझौता नहीं करते। मिश्रा जी के घर पे रुके थे प्रभुपाद, लेकिन समझौता नहीं किया उन्होंने। प्रभुपाद जी मिश्रा जी के घर पे रुके थे वहां पे उस समय के लिए, आगे जाने से पहले, न्यूयॉर्क जाने से पहले। क्यों? क्योंकि वहां रुके जब थे तो प्रभुपाद ने समझौता नहीं किया। प्रभुपाद जी उस मिश्रा जी के मायावाद दर्शन का खंडन करते रहते थे, और प्रभुपाद जी ने कभी उनके विद्यार्थियों को पूछा नहीं, आकर्षित नहीं किया अपनी ओर। प्रभुपाद जी शेर थे, बब्बर शेर, अपना शिकार खुद करना जानते थे वो। मिश्रा जी कहते थे वी आर ऑल वन, हम सब एक है, हम सब एक है। होता है ना कि कई बार आप किसी व्यक्ति के बातों को काटोगे, बार बार बोलेगा भैया आप जाओ, आप तो मेरी बात को ही काट रहे हो और मेरे घर पे रुके हो। तो प्रभुपाद जी को भाई नहीं था, जाना होगा तो चले जाएंगे, लेकिन हम सच्चाई से जो है पीछे नहीं हटेंगे। बोलते थे हम सब एक है, हम सब एक है। प्रभुपाद जी कहते आई डिसएग्री विथ यू, वी आर नॉट वन। मतलब डिसएग्री होने का मतलब है हम एक नहीं है, आई डिसएग्री विथ यू, वी आर नॉट वन। वो कहते थे वास्तव में भगवत गीता भगवान कृष्ण ने नहीं बोली है, इनके भीतर से वही निराकार निरुशेष ब्रह्म है जिन्होंने जो है ये गीता को उपदेश दिया है। मतलब उनके भीतर से किसी और ने बोला है। प्रभुपाद जी कहते, प्रभुपाद कहते हैं आप उन भगवान कृष्ण में विश्वास करो जिनके भीतर से कोई और बोल रहा है, मैं तो उस भगवान कृष्ण में विश्वास करता हूं जो स्वयं बोल रहे हैं। अब सुनिए प्रभुपाद ने कहा, वो प्रभुपाद ने कहा अगेन वी आर नॉट वन, हम फिर भी एक नहीं। प्रभुपाद जी ने समझौता नहीं किया, नो कॉम्प्रोमाइज, सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना तो मत सुनो। वी आर नॉट हियर टू प्लीज पीपल, वी आर हियर टू प्लीज गुरु साधु और शास्त्र ऑफ द प्रीवियस आचार्यस सतोवृत्ति है। आप समझ रहे बात? डर लगता है कई बार लोगों को, अरे यार चाय कॉफी के लिए मना करेंगे लोग चले जाएंगे, जाने दो, जिसको जो चाहिए वही मिलेगा। अगर आपको जेन्युइन चीज चाहिए, प्रभुपाद जी से एक बार कॉन्वे हॉल में 1969 उन्होंने कहा कि प्रभुपाद हमने इतनी पब्लिसिटी की, लोग ही नहीं आए, बहुत कम लोग आए। प्रभुपाद ने कहा यू डिडंट सी ब्रह्मा वाज देयर, नारद वाज देयर। प्रभुपाद ने कहा इफ यू आर सेलिंग डायमंड्स देयर विल बी लेस कस्टमर्स टू परचेज, देयर विल बी ओनली फ्यू कस्टमर्स टू परचेज। अगर आप हीरा बेचने जाओगे तो बहुत कम ग्राहक होंगे खरीदने के लिए।